स्वागत है आपका टेक सुमो हरियाणा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं दो ये कंप्यूटर्स वाले स्पीकर। तो दोस्तों, आज हम इसमें नया मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देख सकते हो दो स्पीकर हैं और ये मेड इन चाइना है, ठीक है दोस्तों। ये 5 वोल्ट के एडोप्शन मोबाइल चार्जर से भी चल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें नया मॉडिफिकेशन क्या करना है कि इसके अंदर जो इसकी केबल होती हैं, जैसे दिखा सकता हूँ आपको मैं, एक मिनट, ये देखिएगा, ये ख़राब हो चुकी है, कट चुकी है। लगाने को नया लगा देंगे ये 5 वोल्ट के, दोस्तों नया लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर हमको ब्लूटूथ लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो को साथ बने रहिए, पूरा देखिएगा, हर एक कनेक्शन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर से इसको हल्का हल्का ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर का जो कवर है इसको हम बहुत ही प्यार से हटा लेंगे, और फिर ये 4 स्क्रू है हम इसको भी खोल लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्शन में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। नया चैनल है, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों हम कुछ स्क्रू इसके खोल लेंगे। तो अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर एक ये स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर के बाद इसके दोस्तों एक अंदर ये सर्किट बोर्ड लगा होता है ये वाला, तो 2 स्क्रू है, सबसे पहले हम इसको भी खोल लेंगे। तो इसके अंदर हमको एक स्पीकर की वायर रखनी है दोस्तों, दूसरे वाले की, एक का तो अंदर होता ही है, और एक का जो USB केबल होता है 5 वोल्ट का वो रखेंगे। जो ऑक्स इनपुट है वो हम हटा देंगे इसके अंदर से, उसकी जगह हम ब्लूटूथ यूज करेंगे। तो कुछ इस टाइप से ये सर्किट बोर्ड आप निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद दोस्तों जो इसके अंदर ये येलो रेड ब्लैक वायर है, ये लेफ्ट चैनल की रेड है, राइट चैनल की येलो है, या कैसे भी हो सकता है, बीच में जो है ये ग्राउंड है, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। तो एक स्पीकर की वायर ये पीछे लगी हुई है, एक यहाँ है, और जो नीचे की तरफ है ये दोस्तों इसका 5 वोल्ट इनपुट का है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे, रेड वाला लेफ्ट है, राइट है सॉरी, और येलो वाला लेफ्ट है, और बीच वाला ग्राउंड है। तो उन तीनों वायर को यहाँ से हटा के, और ये वाली जो वायर है दोस्तों नीचे वाली, ये 5 वोल्ट की, ऊपर वाली स्पीकर की है, तो हमने इसको हटा लिया, और हम इसको अच्छे से डस्ट लगी हुई है उसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वायर मैं एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ एक बार। तो हम USB का केबल रखेंगे, एक ही स्पीकर का केबल रखेंगे बस। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिखा देते हैं आपको एक बार, हम इसका यूज़ करेंगे, ये ब्लूटूथ चिप है, ऊपर वाला लेफ्ट, बीच वाला ग्राउंड, ये राइट है, VCC पॉजिटिव है 5 वोल्ट, ये ग्राउंड है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये छोटी सी चिप है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो 5 वोल्ट देने के बाद। तो इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं, बहुत डस्ट थी। तो देख सकते हो सबसे ऊपर राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, ये ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ग्राउंड दोनों का एक साथ जुड़ेगा, ये 5 वोल्ट का है VCC, और ये ग्राउंड है। और ये दिखा सकते हैं ये स्पीकर के हैं दोस्तों, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये ग्राउंड है इसका। तो हम दिखा सकते हैं, सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट का है, ये 2 स्पीकर का हो गया, बीच वाला इसका ग्राउंड हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से इसका कुछ कनेक्शन है, तो आपको दिखा देते हैं। जो ऑक्स इनपुट था दोस्तों, उसमें हमने ये कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट चैनल है येलो वाला, और उसके बाद में दोस्तों ये इसका राइट चैनल है, और दोनों इसका जो ग्राउंड है ये हम यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर पूरा वीडियो देखोगे अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों ये इसका 5 वोल्ट का पॉजिटिव है, ठीक है, और ये 5 वोल्ट इसका और उस दोनों का एक साथ मिला देना है, ये ग्राउंड है बोल्ट का, ठीक है, ये दोनों हमारी सप्लाई की वायर हो गई। और दोस्तों एक स्पीकर का तो लगा हुआ है, और दूसरे स्पीकर का हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास USB केबल है दोस्तों, ये भी हम जो मॉड्यूल का रेड और ब्लैक लगाया हमने 5 वोल्ट का, उसी के अंदर ही इसी को जोड़ देंगे, वहीं से सप्लाई इसको मिल जाएगी।
तो देख सकते हो आप कि हम इसके बीच में एक गांठ लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि वायर बाहर की तरफ न खींचे। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ दिया और नेगेटिव में हम नेगेटिव को जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये थोड़ा हट गया, तो इस टाइप से हम इसका कर लेंगे दोस्तों। और इसके करने के बाद आपको बता देते हैं हम कि ये जो ये दोस्तों थोड़ा अब ये जो स्पीकर का वायर है दोस्तों, इसको हम जोड़ लेंगे इसके अंदर जहाँ पे आपको बताया था। तो दोस्तों एक स्पीकर तो का कनेक्शन तो इसके अंदर ही है जैक के, और एक ये वाला है। तो इस टाइप से हम दोनों स्पीकर के कनेक्शन कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हो आप जो इसका बॉक्स होता है दोस्तों, छोटा कैबिनेट, उसमें आपको गांठ जरूर लगानी है ताकि वो खींचे नहीं। तो दोस्तों कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर फिट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। वायर को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं फिर कॉमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।